हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ हमेशा की तरह स्कूल के लिए, और वैभव भी रेडी हो चुका है और वैभव को लेकर के जा रही हूँ मैं अपने साथ ही। तो नाश्ता हम कर चुके हैं और मैंने कल रात ही कपड़े धो लिए थे। कल रात को गई थी मैं एक पार्टी में स्कूल की तरफ से। वो शायद आने वाली है मेरी सासू माता, जैसा कि कुछ दिन पहले वो आई थी और अपने मायके गई हुई थी शादी में। तो 3-4 दिन लगाने के बाद आज वो वापस आ रही हैं, तो हो सकता है आज उनका नाइट स्टे हमारे यहीं पर हो। तो फिर दिन में तक आ जाएंगी सासू जी, फिर मैं आप लोगों को फिर से मिलवाऊंगी अपनी सासू माता से। और शायद शाम को शेखर भी आने वाले हैं गाज़ियाबाद से। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब आने वाले हैं, वरना मैं और वैभव अकेले रह जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज हमें अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जाती हूँ स्कूल और आती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फाइनली पहुंच चुकी हूं मैं घर, और जैसा कि रोज की तरह मैं एक बार घर आती हूं वापस, फिर वैभव को लेने जाती हूं। तो मेरी अब दूसरी बार की ड्यूटी शुरू हो गई है और मैं वैभव को लेने जा रही हूं, क्योंकि मुझे बहुत सोने का मन कर रहा है, लेकिन वैभव को लाना बहुत बड़ी ड्यूटी है मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और वैभव को लेकर के आते हैं जल्दी से घर। तो दोस्तों, फाइनली मैं और वैभव घर पहुँच चुके हैं। वैभव को लेकर के भी मैं आ गई हूँ, और अब मैंने अपने लिए बनाई है गर्मा गर्म चाय, और सुबह बनाया था पुलाव, तो मैं खा चुकी हूँ पुलाव। वैभव का मन था नहीं पुलाव खाने का, तो वो अपने लिए बना रहा है एग की भुज्जी, बना चुका है। नीचे नीचे खाना, नीचे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हो चुकी है शाम, और मैंने मतलब मैं स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के सो गई थी, और उसके बाद अभी अभी उठी हूँ। उसके बाद उठने के बाद मैंने कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि वैभव की मेरी कल छुट्टी है, कल सैटरडे है और कल है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की छुट्टी है। तो इस वजह से जो भी कपड़े थे वो मैंने आज ही धो दिए हैं स्कूल वगैरह के। और अब भी मैंने अपनी सासू माता से बात की कि वो कहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने बताया वो धनगढ़ी पहुँचे हैं और उनकी गाड़ी हो गई है अचानक से ख़राब, मतलब वो वापस स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैकेनिक को बुला रखा है उन लोगों ने, तो मैंने उनसे कहा कि तुम सब के सब गाड़ी के अंदर ही रहना, क्योंकि वो थोड़ा डेंजर एरिया है, मतलब जहाँ पे बाघ वाघ का खतरा कुछ ज़्यादा रहता है। तो खैर, मेरी एडवाइस तो वैसे ही थी, वो तो सारे खुद ही समझदार हैं, वो अपने आप से ही होंगे गाड़ी के अंदर, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से बोल दिया। तो शायद उनको पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, और जो मेरे आज सुबह के कपड़े सुखाए हुए थे वो अच्छे से सूख गए, क्योंकि बहुत अच्छी धूप थी, और वैभव गया हुआ है फिलहाल खेलने, तो मैं लेके आती हूँ फटाफट से उन कपड़ों को। तो फ्रेंड्स, वहाँ से सासू माता रामनगर से बस में बैठ चुकी हैं। तो मैंने भावना दीदी को बोला था कि उनको साईं मंदिर उतार देना, चौराहे पे ना उतार के साईं मंदिर उतारना। तो मैं जा रही हूँ उनको लेने, और वो भी 5 फुट पैदल पैदल, क्योंकि स्कूटी पे ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं सासू माता को बिठा के ला नहीं पाती हूँ। तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगी पैदल पैदल, और वहाँ से रिक्शे में आ जाएंगे दोनों के दोनों। तो चलिए फटाफट चलते हैं साईं मंदिर। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हैं सासू माता, जैसा कि मैंने बताया था साईं मंदिर पे उतरी थी, और साईं मंदिर से हम आए पैदल पैदल वॉक करते हुए। ये बैठ चुकी हैं सासू माता सामने, और वैभव पढ़ाई का नाटक कर रहा है अम्मा के सामने, क्योंकि क्योंकि अभी नाटक करेगा तो बाद में अम्मा का फ़ोन मिलेगा इसका इसीलिए इसने पहले ही नाटक करना शुरू कर दिया है कि जब से तुम गए हो तब से मैं पढ़ रहा हूँ। आधा घंटा मुझे गए और आए नहीं हुआ, तुझे आधा घंटा पढ़ते पढ़ते मैंने आधे घंटे पढ़ाई क्या, ये क्या है, आ गया ना लाइन पे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी। मजाक कर रहा हूँ, स्कूल से बना के ला रखा हूँ। क्या बना के ला रखा है? बटरफ्लाई सी, बटरफ्लाई दिख रही है तुम्हें? मुझे क्या पता, बटरफ्लाई नहीं है तो वो बॉर्डर बना रखे। ओके, सुंदर। द नेक्स्ट डे।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तक सारा काम किया फिर मैंने, झाड़ू और नहाया, कपड़े धोए, कपड़े सुखाए, कल के धुले हुए। तो आज जैसा कि छुट्टी का दिन था और मेरी सासू माता आई हुई है, कल सभी को पता ही है, तो मैंने कराया सासू माता को और वैभव को नाश्ता। और आज शायद शेखर भी आ रहे हैं घर, वैसे तो उन्हें सुबह पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वो शायद सुबह वहाँ से निकलेंगे और शाम को यहाँ पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, आगे क्या क्या होता है देखिएगा और कैसा मेरा शिवरात्रि वाला दिन गुजरता है। पूजा मैं कर चुकी हूँ, टीका देख करके आपको आइडिया आ सकता है कि पूजा कर चुकी हूँ। देख आई को दीदी, मैं को कमरे में तेरे अकेले निराला जब मले देख आई। ओ और ये दवाई खाए और आप ध्यान धरिए, और ये ठंडा मंडम ज्यादा नहीं रहे। मैंने तो तीन मम्मी के दिन हर चीज ला और आप ही करनी नानी। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हो चुकी है शाम और आज है शिवरात्रि का दिन, तो कल जाना है सासू माता ने गाजियाबाद को। तो उत्तराखंड की जो फेमस बाल मिठाई है, सासू माता कह रही है वो लेकर के आ जाओ वहाँ गाजियाबाद के लिए भी, यहाँ अपने लिए भी। तो मैं जा रही हूँ कुंदन पे, और कुंदन की और रावत स्वीट्स की बाल मिठाई दो जगह की बहुत फेमस है, बाकी बनाना तो सबने शुरू कर दिया है, बट बहुत सालों से कुंदन की और रावत स्वीट्स ये दोनों की है बहुत फेमस। तो कुंदन से पिरुमदारा में ही बाहर, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे लेने के लिए। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुकी और मुझे यहीं से लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुंदन की कितनी सारी, मुंह में देख देख के पानी आ जाएगा आप लोगों के। और ये ना मतलब हमारे उत्तराखंड की फेमस है ये बाल मिठाई और ये चॉकलेट। बाकी मिठाइयाँ तो हर जगह मिल ही जाती हैं, अब तो वो भी बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी गिफ्ट आइटम चाहिए तो आप लोगों को ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। कुंदन्स में हर तरह की चीज़ मिलती है, देखिए नमकीन, ये सब कुंदन्स का अपना प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स कुंदन रेस्टोरेंट यहाँ पे है, जो रामनगर टू दिल्ली हाईवे है उसकी एकदम हाईवे के जस्ट साइड में, लेफ्ट साइड। अगर आप रामनगर से दिल्ली को ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में बड़ा सा बोर्ड लगा दिखेगा अपने आप, पहले ही उधर था, अभी यहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आप आना चाहें और यहाँ की फेमस बाल मिठाई लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह भी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, शाम को भी मेरे कपड़े धुल रहे हैं। कल रात धोए थे, सुबह सुखाए, दिन में उठाए और फिर दिन में दीप्ति ने धोए और मैंने फिर वापस से धो करके डाल दिए हैं बाहर सुखाने को। वैभव का बैग भी धुल चुका है और शूज़ वगैरह सब धुल चुके हैं फ़िलहाल। मैं और मेरी सासू माता आए हुए हैं जैसे कि छत पे, अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाली छत पे। वैसे हम इसमें कम ही जाते हैं, इसमें जाते हुए ना डर सा लगता है, लेकिन सासू माता को मैंने कहा चलो कभी कभार जाने में कोई हर्ज नहीं। तो मैं भी चढ़ रही हूँ ऊपर, हम बहुत कम जाते हैं इसमें एक्चुअली, इसमें ना डर सा लगता है, अजीब टाइप की सीढ़ियाँ हैं ये, लेकिन यहाँ से ना पूरा पिरुमदारा दिख जाता है। वो उधर को है वैभव का स्कूल, वो वहां पीछे, वो पीछे रामनगर ने देखे हो ना, हर तुम पिरुमदारा ही हो पूरा यो रामनगर वे थाने। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब गर्मी का मौसम जैसा आ चुका है ना, और गर्मी के मौसम में तो वैसे ही मैंने इजा से कहा चलो छत पे चलो, थोड़ा छत पे टहल आएंगे करके, छत पे टहलने की बात हो रही है और वैभव भी आ चुका है खेल कूद करके।
तो फ्रेंड्स मैं और मेरी सासू जी और वैभव हम बैठे हुए हैं और मैं लेटा हुआ हूँ। अभी मैंने सब्जी मतलब सब्जी नहीं मैंने खाना बना दिया आज व्रत वाला। और वैभव की चल रही है पढ़ाई, ये देखिए कैसे टांगे ऊपर को एकदम, ये इसका पढ़ाई करने का तरीका है। और ईजा अभी हैं, कल सुबह ये भी चले जाएंगे। और अभी शेखर से भी बात हो गई थी, वो भी काशीपुर पहुंच गए हैं। काशीपुर से यहाँ पहुंचने में मुश्किल से 15 मिनट तो नहीं, 20-25 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, तो पहुंचने वाले हैं और शायद हो सकता है पहुंच ही गए होंगे। मैंने उनको कहा था कि अगर आपको लेने आना होगा तो कॉल कर देना, और अगर नहीं लेने तो दोस्तों व्लॉग में बने रहना। और जैसे ही शेखर पहुंचते हैं फिर मिलवाती हूँ आपको शेखर से, क्योंकि शेखर के दर्शन भी आपने बहुत दिनों से किए नहीं होंगे अभी। तो बेटे को देख करके माँ हो गई एकदम प्रफुल्लित। सुबह से इंतजार कर रहे हैं मुरादाबाद से, कभी तो आगे खिसको खिसको, अभी कहाँ हूँ मुरादाबाद हूँ, अभी कहाँ हूँ मुरादाबाद, अभी कहाँ हूँ मुरादाबाद हूँ। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है कि शेखर पाठक घर पहुँच चुके हैं। तो कैसा रहा तुम्हारा सफर? बढ़िया, मस्त एकदम। चलो, वो तो तुम्हें देखने से लग ही रहा है गाल एकदम लाल हो रखे हैं। तो दोस्तों फाइनली शेखर पहुंच चुके हैं, वाकई में हम दोपहर से इंतजार कर रहे थे और हमने खाना भी नहीं बनाया, तो मतलब सब्जी बना दी है, रोटियां बनानी रह रखी हैं, तो फटाफट से बनाती हूँ खाना और खाते हैं खाना, क्योंकि आज फास्ट वाला दिन है और भूख भी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।